Good morning, friends. Welcome once again to the Nifty and Bank Nifty analysis from tradingfab.in. Today, 15th March 2019, Friday, सुबह के 7:59 हो रहे हैं. आज जैसे कि वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, तो क्या हो सकता है निफ्टी में? क्या ये बुल रैली कंटिन्यू रह सकती है? नए हाई क्या निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं? आज फ्राइडे है तो बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे. क्या आने वाले समय में रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल्स हो सकते हैं ये देखते हैं. लेकिन उससे पहले जो हमारे साथ नए सब्सक्राइबर्स जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हम हर रोज सुबह निफ्टी एनालिसिस का वीडियो यूट्यूब के ऊपर पब्लिश करते हैं. तो अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है तो उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना जरूरी है, ताकि जैसे ये सुबह अराउंड 8:30 के आसपास YouTube पे जैसे ही अपलोड होता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के ऊपर आ जाएगी और आप मार्केट आवर्स के पहले इस वीडियो को देख पाएंगे. और एक बात है, ट्रेडिंग फैब ऑथराइज्ड पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जो कि ZERODHA और UPSTOX इस समय इंडिया में लीडिंग डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स है. अगर आप इन दोनों में से एक कोई एक अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर ओपन करते हैं तो आपको ट्रेडिंग फैब के जो इंट्राडे प्रीमियम रिकमेंडेशन है वो आपको फ्री में मिल सकते हैं. आपको सिंपली यहाँ से अप्लाई करना है तो आपको इनके डीमैट अकाउंट से कॉल आ जाएगा और आगे की अकाउंट प्रोसेस शुरू हो जाएगी. तो आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करेंगे. ये एक पिक्चर है कल का, यानी 14 मार्च आफ्टर मार्केट आवर्स ये पिक्चर लिया हुआ है. अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर आए बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी. तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमने ब्रेकआउट लेवल मार्क किया था 11,370 के पास और ब्रेकडाउन लेवल मार्क किया था 11,323 के पास. ये आर्ली चार्ट है, ये इस वर्टिकल लाइन के राइट साइड का कैंडलस्टिक हमें कल का डेटा प्रेजेंट कर रहा है. तो जैसे कि आप देख रहे हैं, कल निफ्टी इंडेक्स हमारा ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ. तो यहाँ पर शुरू में कोई ट्रेंड नहीं बनता क्योंकि ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ओपन हो चुका है और टूवर्ड साउथ की तरफ मूव होने लगा. लेकिन हमारा जो ब्रेकडाउन लेवल है, इसने ये ब्रेक नहीं किया, पेनेट्रेट हुआ ये लेवल. तो एज पर कल के जो स्ट्रैटेजी थी हमारी, कल का जो प्लान था उसके अकॉर्डिंग तो कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी निकल नहीं थी. कल एक रेंज बाउंड एरिया में ट्रेड होते रहा निफ्टी इंडेक्स, तो कल कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी हमारे प्लान के अकॉर्डिंग. तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. चलते हैं ग्लोबल मार्केट के ऊपर. कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स में हल्की सी बढ़त देखने को मिली, नासडैक में भी गिरावट देखने को मिली 12 पॉइंट की. तो मिला जुला कारोबार देखने को मिला अमेरिकी बाजार में. यूरोपियन मार्केट भी देखे तो हल्के से बढ़त के साथ बंद हुए, सभी गृह हरे निशान में बंद हुए. आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो जापानीज मार्केट, चाइना मार्केट और हांगकांग मार्केट में जबरदस्त तेजी दिखाई दे रही है. डाउ फ्यूचर की बात करें तो अभी 79 पॉइंट की बढ़त दिखाई दे रही है और एसजीएक्स निफ्टी हल्की से गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है. तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से अभी बुलिश यानी पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं. क्या निफ्टी इंडेक्स में यह रैली कंटिन्यू हो सकती है? देखते हैं निफ्टी का चार्ट क्या कहता है. लेकिन आज जैसे कि फ्राइडे है तो पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, फिर निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं. ये है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट. वीकली चार्ट से शुरू करेंगे फिर डेली चार्ट देखेंगे. अगर आपने हमारा लास्ट फ्राइडे का बैंक निफ्टी का वीडियो देखा होगा तो वहां पर हमने ये फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल ड्रॉ किया था. उसके अकॉर्डिंग लास्ट वीक यहाँ पर 38.2 का ये जो लेवल है 27780, इसके आसपास ये ट्रेड कर रहा था. तो जैसे कि लास्ट टाइम का हमारा व्यू था, अगर यहाँ पर लास्ट वीक स्ट्रांग बुलिश कैंडलस्टिक बनता है तो आने वाले समय में भी हमें यहाँ पर और ऊपर के लेवल्स दिखाई सकते हैं. अभी इस वक्त फिलहाल बैंक निफ्टी अनचार्टेड टेरिटरी में ट्रेंड कर रहा है. तो यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन थ्रू ही हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं आने वाले लेवल्स क्या हो सकते हैं. तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, लास्ट वीक के कंपेयर में इस वीक का कैंडलस्टिक अभी जबरदस्त स्ट्रांग और उससे कंपेयर में इसका साइज बड़ा है. तो यहाँ से अगर ये अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस 29,200 के पास आ रहा है, 100 के पास आ रहा है, तो इसको यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है और हल्की सी यहाँ पर करेक्शन आ सकता है क्योंकि ओवरबॉट जोन में है अभी ये. फिलहाल दो वीक देख रहे हैं हम कंटिन्यूस स्ट्रांग बुलिश कैंडलस्टिक यहाँ पर बनाई दे रहा है. तो अगर ये टूवर्ड्स फिर से अगर साउथ की तरफ मूव करता है तो ये जो लास्ट टाइम का हाई बनाया है अराउंड 28,400 के पास, ये फर्स्ट सपोर्ट का काम कर सकता है.
और हालांकि ये अभी अनचार्टेड टेरिटरी में है, तो ऊपर में लेवल्स अगर ये 76.4 का लेवल भी ब्रेक होता है तो हमें 30,000 के बैंक निफ्टी में लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, ये है वीकली चार्ट का सिनेरियो। स्ट्रक्चर एक्सट्रीम बुलिश है, तो शॉर्ट करते समय थोड़ा कॉशियस रहिए। डेली चार्ट में देखते हैं, यह है डेली चार्ट बैंक निफ्टी का। हमने यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ड्रॉ किया था और अगर अपर बैंड या फिर लोअर बैंड ब्रेक करता है तो हमें यहाँ पर नेक्स्ट मूव का कंफर्मेशन मिल सकता है। तो जैसे कि इसने अपर बैंड का ये ब्रेकआउट दिया तो उसके बाद यहाँ पर जबरदस्त अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिला। अभी बैंक निफ्टी में यहाँ पर लास्ट कल के दिन यहाँ पर हैंगिंग मैन का ये कैंडलस्टिक का पैटर्न बना है जो कि डाउन ट्रेंड का सिग्नल देता है। हालांकि ये सिग्नल है, कंफर्मेशन नहीं है। और देखें तो यहाँ पर RSI भी अभी ओवरबॉट जोन में है, 70-100 ओवरबॉट जोन माना जाता है। तो चांसेस है कि थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है यहाँ पर। करेक्शन आने के बाद ये यहाँ पर इस लेवल के पास सपोर्ट ले और फिर से टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़े, ये पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, ये सिग्नल है, कंफर्मेशन नहीं है। अगर यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक बनता है तो आने वाले समय में हमें यहाँ से कुछ ज्यादा करेक्शन दिखाई दे सकता है। लेकिन अभी फिलहाल स्ट्रक्चर वीकली चार्ट डेली चार्ट का एक्सट्रीम बुलिश बना हुआ है। करेक्शन आना, एक एक्सपेक्टेड कनेक्शन आना लाजमी है। तो यहाँ पर अगर करेक्शन आता है तो फर्स्ट सपोर्ट तो जो लास्ट हाई बनाया था, ऑल टाइम हाई 28,392 अराउंड 400 के पास, ये फर्स्ट मेजर सपोर्ट होगा। इसे अगर ब्रेक करता है तो ये टूवर्ड्स ये 20 EMA का ये जो लाइन है 27,670 के पास जो है, यहाँ पर आके ये नेक्स्ट सपोर्ट टेस्ट कर सकता है। अभी फिलहाल सिग्नल दे रहा है कि बैंक निफ्टी करेक्शन हो सकता है, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो यह था डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो बैंक निफ्टी का। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। यह है वीकली चार्ट। हमने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया था निफ्टी इंडेक्स में कई सारे दिनों से। अभी ये एग्जैक्ट 76.4 के पास ये ट्रेड कर रहा है। लास्ट टू डेज हमने देखा इसके ऊपर ये क्लोज नहीं हो पा रहा है, इस लेवल के ऊपर ये क्लोज नहीं हो पा रहा है। हालांकि स्ट्रक्चर अभी बुलिश बना हुआ है, आगे और भी निफ्टी ऊपर नॉर्थ की तरफ बढ़ सकता है, लेकिन इन लेवल्स को ये ब्रेक करना बहुत जरूरी है, 11,345। अगर ये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल यहाँ पर होगा अराउंड 11,490 के पास, जहाँ पर पास्ट में 2 वीक्स इसने रेजिस्टेंस फेस किया था यहाँ पर। तो अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा 11,490 के आसपास, और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ ये मूव करता है तो 11,089 का फर्स्ट सपोर्ट होगा एज पर वीकली चार्ट। ये हम लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर बुलिश बना हुआ है, हायर हाई हायर लो का पैटर्न बन रहा है जो कि बुलिश सिग्नल है, बुलिश पैटर्न है। तो ये है वीकली चार्ट का सिनेरियो निफ्टी का। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में जैसे कि आप देख रहे हैं, कल इसने यहाँ पर एक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनाया था, लेकिन उसके बावजूद हमें यहाँ पर कल भी गैप अप ओपनिंग दिखाई दिया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और टूवर्ड्स साउथ की तरफ मूव कर रहा था और ये ओपन के नीचे आकर ये क्लोज हुआ। तो चांसेस है कि यहाँ से प्राइस में करेक्शन आ सकता है। अगर ये 13 मार्च का लो अगर ब्रेक करता है 11,276 तो हमें और भी ज्यादा करेक्शन इसमें दिखाई दे सकता है। हालांकि स्ट्रक्चर बुलिश बना हुआ है। ठीक है, टू आर्ली चार्ट है ये निफ्टी इंडेक्स का, टू आर्ली चार्ट, जिसमें एक और एक पॉइंट है, RSI जो है वो हमें डाइवर्जेंस दिखा रहा है। अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं, इसकी थिकनेस मैं बढ़ा देता हूं ताकि और आपको अच्छे से दिखे, तो ये लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये प्राइस एक्शन में हायर हाई बन रहा था, प्राइस एक्शन में हायर हाई बन रहा था और RSI में यहाँ पर ये लोअर हाईस क्रिएट होने लगे हैं और इसने नेगेटिव क्रॉसओवर दिया है RSI ने। हालांकि अभी भी ओवरबॉट जोन में है लेकिन लोअर हाईस बना रहा है और प्राइस एक्शन में हायर हाई देखने को मिला है। तो हो सकता है यहाँ पर एक करेक्शन है, RSI डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है यहाँ पर। चलते हैं 60 मिनट की चार्ट पे, इंट्राडे स्ट्रैटेजी क्या होगी ये देखते हैं, क्या लेवल्स हो सकते हैं। यह है 60 मिनट का चार्ट। अगर निफ्टी इंडेक्स टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो यहाँ पर ये जो
बुलिश कैंडलस्टिक बनाया था, हालांकि यहाँ पर फेल हुआ था निफ्टी इंडेक्स, यहाँ से फिर से नीचे आके क्लोज हुआ ओपन के यहाँ पर। तो इस कैंडल का हाई अगर ब्रेक करता है टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय कर सकते हैं, और तभी हमारा एक क्विकली फर्स्ट टारगेट होगा 11,379 का, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा हमारा 11,394, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूअर्ड्स निफ्टी साउथ की तरफ मूव करता है तो ये जो S1 का लेवल है इसके तुरंत बाद 20 EMA भी आ रहा है, तो इस 20 EMA को ब्रेक होने दीजिए। और लास्ट जब लास्ट के टू ट्रेडिंग सेशंस पहले यहाँ पर एक सपोर्ट टेस्ट कर रहा था, 3-4 घंटे यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स ने सपोर्ट टेस्ट किया था, तो 11,300 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो ही इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बनाए, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,277, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट 11,240 का होगा। तो ये है आज के लिए निफ्टी की इंट्राडे लेवल्स, इंट्राडे स्ट्रैटेजी। अगर आपको ये वीडियो या एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी वीकेंड।